आचार्य कामता प्रसाद गुरु। जी हाँ, अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से संबंध रखते हैं या हिंदी से किसी भी प्रकार का संबंध रखते हैं तो आपने हिंदी के पाणिनि कहे जाने वाले आचार्य कामता प्रसाद गुरु का नाम जरूर सुना होगा। इनका जन्म 1875 में मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने अपने जीवन काल में बाल सखा और सरस्वती जैसी कालजयी पत्रिकाओं का संपादन किया। साथ ही साथ इन्होंने विनय पचासा, भैमासुरवध जैसी कालजयी रचनाएं लिखी। परंतु इनका जो नाम है वो हमारे साहित्य में होता है हिंदी व्याकरण की वजह से। इन्होंने एक व्याकरण लिखी जो कि इनकी मृत्यु के पश्चात 1975 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा प्रकाशित की गई। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप कमेंट करके बताएंगे और जुड़े रहेंगे टीचर्स अड्डा 24/7 के साथ। मैं रोज़ आपके साथ लाइव आता रहूँगा। धन्यवाद।